तो अभी हम निकल रहे हैं करान भाई के साथ, मुझे नहीं पता उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। आ गए हैं वो, ये देखो गाड़ी आई। राम राम। राम राम हर शंभू, क्या हाल है भैया? सही है। अरे वो नहीं है गाड़ी देनी सर्विस के लिए, थोड़े से आना गानी करते हैं, पर ये कि जैसे 10-11 बजे 12 बजे भी निकल जाओगे तो बना लोगे, भीड़ नहीं होगी ना। गाड़ी सर्विस के लिए दे रहा था, आने वाला है बंदा। आओ सर। चलो सर फिर। नहीं नहीं सर, पूछ रहा था कहाँ जाऊँगा। चलो सर। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? थंबनेल थंबनेल सीखा कि नहीं सीखा? तीन वीडियो चल रही चैनल में मेरी बदौलत, सारे तीनों मैंने टॉपिक दिए। अभी तो चुप रहूँ, बैठूंगा तब देखता हूँ क्या बनाएगा अपने दम पे। मैं तो कितनी वीडियो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज है रक्षाबंधन का दिन और व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से कर रहा हूँ। दरअसल हम और विक्रांत भाई आज जा रहे हैं फुजेरा, जो कि दुबई का एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। जैसे कि आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि वहाँ पे बाढ़ आई थी। जब एक गाड़ी सर्विस के लिए जाती है, सर्विस वाले बंदे ना हमें दूसरी गाड़ी देते हैं, और वो ये दूसरी गाड़ी है जो मैंने आपको बताया, ये वाइट वाली इसके पास मैं अभी खड़ा हूँ, ये दूसरी गाड़ी है। और इस गाड़ी वो गाड़ी है जो कि अभी सर्विस के लिए जा रही है, और ये वो गाड़ी है जो हमें सर्विस के बदले मिली हुई है। चेक करते हैं कि भाई कौन क्या है क्या नहीं है ना। रेंट से गाड़ी ऐसे होती है, पर्डिक सब की गाड़ी मिल जाती है, देखते हैं पर्डिक। तो भाई ये जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई है हमारे पीछे, आप देख रहे हो, ये नई गाड़ी है। नई का मतलब दूसरी गाड़ी है, जिस गाड़ी से अभी लोग हम विक्रांत भाई घूम रहे थे पिछले एक हफ्ते से, या फिर मेरे ख्याल से कह लो महीनों से। जब आप मुझे एक बार लेने आए थे तब गाड़ी सर्विस के लिए गई थी, उसके बाद आज जा रही है जी। एक बार आप आए थे ना हमारे घर के पास, जब कहीं हम लोग कहीं गए थे बाइक गाड़ी से। हाँ, गाड़ी से कहाँ गए थे? कहीं गए थे वहाँ गए थे वो समंदर के पास जो वीडियो वगैरह शूट करे थे। हाँ, कहीं गए थे इसी गाड़ी से, गए थे साथ ऐसी गाड़ी थी। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा गाड़ी कहाँ, तो बोले सर्विस के लिए गई है। तकरीबन 1.5 महीने हो गए ना।
रेंट में गाड़ी जब भी लो सर्विस कराना जरूरी है। अच्छा, मतलब किलोमीटर वगैरह चेक करना जरूरी है बहुत ज्यादा, तो फिर आपके सर पे आ जाएगा। अच्छा, और जैसे गाड़ी देते हुए देखा पूरा चेक वगैरह किया, स्क्रैच वगैरह सब कुछ, अगर चेक नहीं करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा, नहीं तो हमारे सर पे डाल देगा। सही बात है कि क्या है क्या नहीं है, तब इसको हम डाल दे रहे हैं। हम लोग नई गाड़ी से जा रहे हैं फिलहाल, नई क्या बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है और फुल टैंक, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन पिकअप, सब कुछ। वाह भाई वाह, ये देखो आ गया। ये मत डालो तुम, पहले लोग बोले टूटा है क्या, तुम आएंगे डब्बा लगे घूम पे ये डाल देंगे जरूर। ये सीन गाड़ी चली गई मेन। अभी हम आए हैं, ये कहाँ चुके हैं विक्रम भाई? मलिया रोड पे आए हैं और यहाँ पे अभी हमको पीना है चाय। चाय पियेंगे और अच्छा खाना भी, दोपहर तो देखा जाएगा। तो कुछ है ही नहीं यार, तो बंद है क्या? है नहीं क्या? बंद है विक्रम भाई? तो ले माने एक सादा चाय, सुलेमानी एक सादे पराठे खाओगे? और दो सूखे पराठे दे दो। सूखे पराठे सादे, सादे दो पराठे। हाँ बस फ्रेश वाले देना पराठे। इधर लगा रहा गाड़ी, मुंबई है क्योंकि मैंने उसको देखा था, मैंने MSK के व्लॉग देखता हूँ। सही बनाता है वो, मस्त बनता है। MSK भी सही बनाता है, मोटिवेट रहता है, और MSK भी वैसे बनाता है। MSK के ब्लॉग तुम देखते तो तुमने हमको बताया था। नाश्ता हमारा आ चुका है और नाश्ते में विक्रांत भाई ने ऑर्डर किया है एक पराठा, एक एक पराठा सादा पराठा, ठीक है। और ये है हमारी चाय, और चाय हम वैसे हम तो पीते हैं दूध वाली, और विक्रांत भाई पीते हैं काली, काली मतलब सुलेमानी चाय पीते हैं, और हम दूध वाली पीते हैं। तो उसने गलती से क्या किया ना, दोनों सेम दे दिया, तो फिलहाल मैंने उसको बोला है, कह रहा था चेंज कर देते, चेंज कर देता अच्छा, उसके बाद फिर जो है हम लोग नाश्ता करते हैं। गाइस यही होता है सुबह का नाश्ता, अभी हम लोग बस एक एक रुपए दो दो रुपए का नाश्ता करके निकल रहे हैं। भाई हम हाईवे में चाय पी रहे हैं, ठीक है ना। हाईवे में चाय पीने का मतलब पता है उनको क्या होता है? पहले बात तो कोई ढंग का टेस्ट देता नहीं पहले, क्योंकि भाई ये सारे चलते हुए कस्टमर है, आज है कल नहीं है। अच्छा अच्छा, कस्टमर जो है आज है कल नहीं है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ी पता कि हम रेगुलर यहीं से आ रहे हैं, तो हम हाईवे में, मेन हाईवे में, ठीक है। पर भाई की बात मुझे अच्छी लगी कि उसने चाय ला के दिया, दूसरी वाली ने उसे चाय ला के दी। तो गाइस ये है दुबई की सड़कें, ऐसी होती हैं कि यहाँ पे हम बैठे बैठे चाय भी पी सकते हैं और बाजू में दो चाय रख भी सकते हैं, ठीक है, और कुछ हो भी नहीं रहा है। अपने विशाल भाई का गाना है, ठीक है। तो आप जो है उन लोग के जूस ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप उसे अपना। कैसा लग रहा है? सही है, बढ़िया सेल्फ मेड है, सही लगता है। यही वो जगह है तो भाई, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये फुजैरा का रास्ता है, और अभी फिलहाल चारों तरफ यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ दिखेंगे, और यही वो प्लेस है, यही वो जगह है जहाँ पे अभी तकरीबन 15 दिन पहले भीषण कहर आया हुआ था पानी के जरिए, और इतना पानी भरा हुआ था कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी मैं आपको आगे भी चल के दिखाऊंगा, फुजैरा के अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या सीन है अभी करंट टाइम पे वहाँ का। और ये कुछ देख रहे हो कितने, आपको मैं बता नहीं सकता, कैमरे से शायद वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की जा सकती जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। खूबसूरत नज़ारे तो हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन जब पानी आया था तो ये नज़ारे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी में भी डाल चुके थे ऑलरेडी। और पहाड़ देखो आप एक बार पहाड़ देखो और आइडिया लगाओ। मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है शायद मैं अब इंडिया में भी कहीं दूर दूर नहीं गया हूँ, इतने ऊंचे पहाड़ है,
इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है, मतलब पॉसिबल ही नहीं चढ़ पाना इसके ऊपर, या तो कहीं से रास्ता हो या तो कैसे भी करके। जैसे अभी आप देख रहे हो सामने से। सो गाइस, अभी हम फुजैरा के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत शहर, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले एक खौफनाक मंजर था। तकरीबन आज से एक से डेढ़ महीना पहले खौफनाक मंजर था, और मैं आपको वो जो ग्रसित एरिया है वो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। बस आप देखो, ये आइडिया लगाओ, ये मैं किस क्यों आप लोगों से कह रहा था, मैंने एक वीडियो इस पर डाली भी थी कि फुजैरा में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह यही है कि जो पहाड़ है ना, जब बारिश हुई तो फुजैरा का जो लिविंग एरिया है वो वी शेप में है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वो है वी शेप में, और चारों तरफ पहाड़ हैं। तो जब ऊपर से पानी गिरा तो नीचे पूरा भर चुका था, ठीक है, और इतना सारा पानी आया कि समझ लो इंसानों के लिए जहमत का काम हो गया, ठीक है। तो आप ये एरिए से देख के आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, और जितना भी हो सकेगा, ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है फुजैरा, ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत है जी, और घास वगैरह, वाह भाई वाह। और अच्छा, ये ऊपर ये तो नहीं, वो जो नोट पे तो बता रहे दूसरा वाला हिस्सा, मतलब वो जो 5 की रोड पे कह रहे थे, दूसरा पलट के जब देखा था हम लोग नए वाली नोट में। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, तुम कह रहे थे यार फुजैरा है, वो तुम ही बता रहे थे। नहीं, वो एक तो रसल खेमा था ना, रसल खेमा में तो हम लोग गए थे। इसमें दूसरा वाला निशान देखो कौन सा, ये वाला। हाँ, ये कहाँ है? ये फुजैरा में, ये तो हम गए थे ना, यहाँ गए थे हम लोग। ये शायद मसाफी फोर्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा, देखेंगे अगर आज दूर है, देखते हैं, अगर उधर जाना होगा तो चले जाएंगे। तो गाइस, ये एयरपोर्ट है फुजैरा का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। मैं एक बार और जूम कर देता हूँ, ये कुछ ऐसी हैं, और ये सभी अब विक्रम जी बता रहे हैं अभी ये चलता नहीं, अभी ये बंद है। क्यों विक्रम जी? अभी बंद चल रहा है ये तो, और इसका जो मेन एयरपोर्ट है वो और दूसरी जगह पर, यहाँ नहीं है। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं फुजैरा, और आपको दिखाएंगे कि आज के 15 दिन पहले यानी 27 से 29 के बीच में जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था और अभी का क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें हम आपको कवर करके दिखाएंगे। अभी कैसा चल रहा है यहाँ का सीन, और जैसे कि कुछ चीज़ें अननेचुरल हो चुकी थी बाढ़ की वजह से, तो वो कहाँ तक पहुँचा है और उसके काम कहाँ तक हो गया है, वो हम सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। अभी वहाँ के लोगों की कैसी लाइफ, कैसी ज़िंदगी है, वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में कवर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा कुछ सीन है गाइस, ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, और रोड्स हैं, रोड्स ये जो है अभी गंदी पड़ी हुई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी हैं। और आप लोग ये समझ लो कि बाकी के जो रोड्स होती हैं दुबई की, वो एकदम क्लियर होती हैं, लेकिन ये उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, वजह। और गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो फ्लडिंग हुई थी ना पीछे, आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आ जाएंगे पहाड़। इनका बहुत बड़ा कारण था यहाँ पे ऐसा होने के लिए, क्योंकि जब पानी आता है तो ये थोड़ा सा ढलान में है फुजैरा ढलान में होने की वजह से ऐसा कुछ है। अभी पेट्रोल पंप क्या है? करना है क्या खाने? नहीं नहीं तुम बनाओ। नहीं नहीं, बनाओ बनाओ, बनाओ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, बाद में बोलेंगे। तो गाइज, ये वो सारी एक नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। मामू का डर लगता है यार। मामू क्या करेंगे यार? हाँ, आएंगे तो भाई देखने आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना नहीं डरेंगे विक्रांत भाई, फाइन थोड़ी मार देंगे इसे, थोड़े मुंह खोले फाइन मार दिया। तो गाइज, वो गाड़ी हम लोग बनवा के ला चुके हैं, और वो गाड़ी एक दूसरी देखने आए हैं, जो कोई अगर ठीक हो गई तो उसको भी बनवाने लेके जाना है। कैसे, रस्सी लाए हो ना? तो गाइस, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे कम से कम नहीं तो 100 गाड़ी से ऊपर थी, और सारी की सारी गाड़ियाँ वही थी जो फ्लोटिंग में ख़राब हो गई थी, जो यहाँ पे बाढ़ आई थी उसमें जो ख़राब गाड़ी हुई थी, सारी गाड़ी वहीं पे लगी हुई है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो विक्रांत भाई ने हमसे कहा कि भैया यहाँ पर शूट थोड़ा हिसाब से करना, और हो सकता है कि पुलिस आ सकती है। हम लोग बात कर ही रहे थे कि सामने से पुलिस आ गई, पता फटाक से कौन सी गाड़ी के बीच से निकल के झड़ाक से आई, मुझे लगता है सेकंड भी नहीं लगा होगा ये बात बोले हुए आप, सामने का पुलिस की गाड़ी आ गई। और जैसे ही गाड़ी आई तो उसने मेरे से पूछा, भाई यहाँ क्या करो आप लोग? तो हमने बताया हम गाड़ियाँ देखने आए हैं यहाँ पे, तो बोला नहीं भाई यहाँ पे मना है।
बड़े प्यार से बोला उसने और बड़े अच्छे से बात की, तो हमने कहा चलो ठीक है, आई रिस्पेक्ट यूआई पुलिस ऑल्सो फुजैरा पुलिस। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से हमने कहा चलो यार शूट नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है, अगर किसी चीज़ की कुछ कोई प्राइवेसी है तो उसको वैसे ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने जितना शूट किया उसने शूट किया, उसके बाद नहीं शूट किया, निकल आए हैं आगे। आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने शूट नहीं किया। अब विक्रांत भाई को कह रहे हैं यार हमारा भी नहीं बना। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं, कोई मना कर देता है तो क्या कर रहे हो विक्रांत भाई, कह रहे तुम्हारी वजह से तुम्हारा आर्मी आ रही, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसा बोल रहे हैं आप लोग देख लो, नहीं भयंकर तो होती है, अभी और भयंकर बनाएंगे आप। अरे हमारे भी किसी चाय वाले से मिलो जी, मेरे वन प्लस में बड़ा अच्छा था, पैदल चलो तो एकदम सारी ऊपर वाली फीलिंग आती है, हिलता नहीं तो जी स्टेबलाइजेशन जैसे आईफोन में दिया रहता है, सेम थे वैसे ही दिया था उसमें वन प्लस में। अच्छा वो अगर उठा के घर गया तो भाई को दे दिया था। अच्छा मुझे लगता है इन लोगों ने सारी गाड़ियां उधर ले गए जो डैमेज थे। हाँ वो सारी इकट्ठा गाड़ी वही है ना। हम फिलहाल आ चुके हैं फुजैरा के अंदर और हमारे पीछे देख सकते हैं ये वही शहर है जहाँ पे फ्लूटिंग हुई थी, ठीक है, फुजैरा के अंदर ही हुई थी। वो कौन कौन सी जगह है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, फिलहाल हम आपको बैक कैमरे से एक बार दिखाना चाहेंगे। हम उसी जगह पे खड़े हैं फुजैरा की, इधर एक मार्केट है, मार्केट में उधर जाना था हमको और पीछे कुछ बिल्डिंग्स ऐसे नज़र आ रही हैं। ये मार्केट है यहाँ पे और ये कुछ अपार्टमेंट्स हैं और अभी हमको मेन सिटी की तरफ भी जाना है, तो चलो फिलहाल अभी और देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। सो गाइस अब हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ फुजैरा में ही। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे फुजैरा आके, यहाँ की हरी भरी घास, पेड़ पौधे। और ये टैक्सी है फुजैरा की, आप देख सकते हो, नहीं ये लर्निंग कार है जो मैं अजमान में ले रहा हूँ, वैसे ही फुजैरा में भी है। तो ये लर्निंग कार्स होती हैं यानी ड्राइविंग स्कूल की कार्स होती है, यहाँ पर जो जिसको भी लाइसेंस लेना होता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर रहा था मैं फुजैरा की, फुजैरा काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था क्योंकि मतलब ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होता है और लोग यहाँ पे रहते भी हैं बड़े प्यार से, मतलब एक तरीके से सुनसान और शांतिपूर्ण जगह है, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी पसंद आया हमको। तो भाई फुजैरा हम लोग घूम रहे हैं और दरअसल विक्रांत भाई का जैसे आप सभी को पता काम रहता है तो वो अपना काम कर रहे हैं और हम जो है फुजैरा घूम रहे हैं। और ये है एक सेल्समैन जो कि हर दुकानों में आते हैं जाते हैं और ये शॉप्स वो हैं जो कि पेट्रोल पंप के किनारे होती हैं, देख रहे हो आप, जो सेल्समैन का काम होता है वैसे होती है, ऐसी गाड़ियां मिल जाती हैं। इसकी वीडियो बनानी थी यार, एक मुझे ये गाड़ी रोक के, किसकी किसकी, ये नेटवर्क की। तो आपने ब्लॉग देखा, ये ब्लॉग है रक्षाबंधन के दिन का, जब मैं फुजैरा गया हुआ था मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा ऐसी कुछ क्लिप्स वगैरह पड़ी हैं और मैं गया भी था और ऐसा बहुत बहुत कम ही केस में होता है कि हम कहीं पर जा पाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको क्लिपे उठा के वो डाल दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि फुजैरा भी एक स्टेट है, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो लोग देख लें। तो ये दुबई का फुजैरा एक स्टेट अलग से है, जैसे कि यूएई में 7 इमारत्स हैं जिसमें कि दुबई, अजमान, शारजा, अबू धाबी, उमल कोइल, रास अल खैमा, फुजैरा, ये आते हैं, तो फुजैरा एक अलग स्टेट है। तो वहाँ पे मैं गया था इसलिए मैंने विजिट किया। होप का आपको, आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।